नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं सेंट 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। रायगढ़ संजय कॉम्प्लेक्स में सब्जी दुकानें बंद कराने पहुंचे निगम आयुक्त को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सुबह संजय कॉम्प्लेक्स स्थित सब्जी मार्केट में कुछ चिलर सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जी विक्रय किए जाने की सूचना मिलने पर निगम आयुक्त अपने अमले के साथ दुकान बंद कराने पहुंचे, जहां उन्हें सब्जी विक्रेताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिस पर सीएसपी अविनाश सिंह ठाकुर एवं एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने जाकर समझाइश दी, तब जाकर व्यवसायी शांत हुए। संजय कॉम्प्लेक्स स्थित सब्जी मार्केट में कुछ चिल्हर सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जी विक्रय किए जाने की सूचना मिलने पर निगम आयुक्त अपने अमले के साथ दुकानें बंद कराने पहुँचे, जहाँ उन्हें सब्जी विक्रेताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिस पर सीएसपी अविनाश सिंह ठाकुर एवं एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने आकर स्थिति को संभाला। मामला यह है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर प्रशासन द्वारा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संजय कॉम्प्लेक्स स्थित सब्जी मार्केट को बंद कराकर सब्जी विक्रेताओं को स्थानीय नटवर स्कूल मैदान अपनी दुकानें लगाने हेतु कहा गया था। लॉकडाउन के दौरान उक्त स्थल पर सब्जी दुकानें भी लगी, किंतु मानसून सीजन में बरसात की वजह से उक्त मैदान कीचड़ से भर गया, जिसके कारण सब्जी विक्रेताओं को वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण हाल के कुछ दिनों से स्थानीय सब्जी विक्रेताएं प्रशासन से सब्जी विक्रय हेतु अन्य स्थल चयन हेतु मांग कर रहे थे, जिस पर स्थानीय प्रशासन द्वारा साप्ताहिक इतवारी बाजार को चिन्हांकित करते हुए सब्जी विक्रेताओं से अपनी दुकानें वहां लगाने को कहा, पर सब्जी विक्रेता सुविधाओं के अभाव का हवाला देते हुए इतवारी बाजार जाने से मना कर रहे हैं। इसी बीच कुछ चिल्हर सब्जी विक्रेता, जिनका संजय मार्केट में पसरा है, अपनी दुकानें खोलकर वहां से सब्जी बेच रहे थे, जिसकी शिकायत लगातार निगम को मिल रही थी। निगम आयुक्त के अनुसार उनके द्वारा इन सब्जी विक्रेताओं को समझाइश भी दी गई थी कि वे अपनी दुकानें प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर लगावे, किंतु वे नहीं मान रहे थे, जिसके कारण निगम आयुक्त दल बल समेत संजय मार्केट पहुँचे, जहाँ वहाँ सब्जी बेच रहे दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद कर इतवारी बाजार जाने को कहा, अन्यथा सामान जब्ती अथवा चलानी कार्रवाई का हवाला दिया। निगम अमले द्वारा कार्रवाई होती देख वहाँ सब्जी बेच रहे दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी दुकानें बंद करने से इनकार करते हुए इतवारी बाजार जाने से मना कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर, एसडीएम युगल किशोर उर्वशा मौके पर पहुंचे, जहां विरोध कर रहे दुकानदारों को सीएसपी अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा समझाइश दी गई, साथ ही शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर निर्धारित स्थल पर ही नियमता व्यापार करने की सलाह दी। एसडीएम युगल किशोर उर्वशा एवं आयुक्त नगर निगम आशुतोष पांडे द्वारा सब्जी विक्रेताओं से कहा गया कि आप अपनी दुकानें इतवारी बाजार में लगाएं, किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर हमें सूचित करें, प्रशासन आपकी पूरी सहायता करेगा। ऐसा आश्वासन मिलने पर कुछ सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें बंद कर इतवारी बाजार में दुकान लगाने को तैयार हो गए, किंतु कुछ व्यापारी वहां जाने को तैयार नहीं थे। संजय कॉम्प्लेक्स स्थित सब्जी मार्केट में प्रतिबंध के बावजूद सब्जी बिक्री होने की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए तथा समझाइश के बावजूद कुछ सब्जी विक्रेताओं के द्वारा बात नहीं मानने की दशा में निगम आयुक्त द्वारा सब्जी मार्केट वाले क्षेत्र को बैरिकेटिंग करके सील करने का फैसला लिया गया। साथ ही अपने माथहतों को चेतावनी वाले बैनर पोस्टर भी लगाने को कहा गया, जिससे उस क्षेत्र में लोगों तथा सब्जी विक्रेताओं की आवाजाही बंद हो सके और वे प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही सब्जी बेचने एवं खरीदने को बाध्य हो सके। संजय मार्केट को लेकर प्रशासन के द्वारा उसको सब्जी मार्केट, खासकर अभी कोरोना पीरियड और डेंगू के आगामी जो प्रभाव को देखकर 2 महीने के लिए उसे बंद रखा गया, उसके लिए वैकल्पिक रूप से इतवारी बाजार में सब्जी विक्रेताओं के लिए व्यवस्था की गई है। पिछले कुछ हफ्ते से लगातार नगर निगम टीम तक उनको समझाई दी जाती, लेकिन आज जब नगर निगम कमिश्नर वहाँ पहुँचे थे तो उनके द्वारा समझाई देने के बाद ये सब्जी विक्रेता इतवारी बाजार जाने में तैयार नहीं होते और कुछ विवाद की स्थिति भी तो होगी, जिसके बाद हमें सूचना दी गई। जाने के बाद उनको हमने समझाया, समझाने के बाद उसमें से जो कुछ लोग थे वो कुछ चीज़ों को क्लियर करने के बाद वो समझ गए और वहाँ जाना और वहाँ पर अपनी सब्जी खेल लगाना उन्होंने स्वीकार किया, और साथ ही साथ नगर कमिश्नर द्वारा किसी प्रकार की जो अव्यवस्था है उसका निराकरण उन्होंने अपने आश्वासन दिया था। पुलिस की कोई कार्रवाई की बात तो नहीं आ रही सर? नहीं, इसमें कोई हमने कोई कार्रवाई नहीं की, बस जो लोग उसमें उज्जत करे थे उनको बस समझाई दिया है, क्योंकि वो लोग भी अपना उनका व्यवहार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, तो इस वजह से देखा गया और बस उनको समझाई दी गई, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।